विधायक लोग सवाल पूछता तो बोलता उधर ट्रांसफर हो गया, उधर ट्रांसफर हो गया, आरसीपी टैक्स। अब हम तो नहीं कहते भाई कि 15 दिन में 100 करोड़ रुपया मेरे पार्टी में आ गया, किसी पे जिम्मेदारी है? सब उसको दोषी ठहराता, उसको दोषी ठहराता, उसको दोषी ठहराता। 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, ये महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार सरकार के लिए योजना है, उसको फ्लैगशिप योजना कहते हैं। अब व्यवस्था इतनी, और ये जितनी योजनाएं चल रही है महोदय, इसमें देखिएगा एक मंत्रालय की जवाबदेही नहीं है, ना किसी पे जिम्मेवारी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है, काम पूरा नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है? तो हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि भारत ने और कई एक राज्यों ने प्रिस्मैटिक मॉडल छोड़ दिया। प्रिस्मैटिक मॉडल क्या होता है कि जहां 15 डिपार्टमेंट को जोड़ लिए एक योजना को पूरा करने में। अब बताइए जल जीवन, ये इनकी जो योजना 7 निश्चय, इसमें कितने डिपार्टमेंट लगे इकट्ठे? जल जीवन हरियाली में कितने डिपार्टमेंट लगे हैं? कृषि रोड में कितने लगे हैं? किसी पे जवाबदेही है? किसी पे जिम्मेदारी है? सब उसको दोषी ठहराता, उसको दोषी ठहराता, उसको दोषी ठहराता, यही काम चल रहा है। केवल जो है टैक्स कलेक्शन हो रहा, टैक्स कलेक्शन हो रहा। आरसीपी जी भाई, अब आप बात कीजिएगा। हम, अरे भाई हम नाम लिए ही नहीं है, नाम कह लिए। अरे भाई रिजर्व कमीशन टैक्स, क्या बात कर रहे हैं, नाम हम कह लिए, आज नाम नहीं लिए महोदय, कहा नाम लिए? आरसीपी टैक्स। आर का मतलब रिजर्व, सी का मतलब कमीशन, आर और पी का मतलब प्रिविलेज, रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स। अरे बैठिए, अरे अरे बैठिए ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब हम तो नहीं कहते भाई कि 15 दिन में 100 करोड़ रुपया मेरे पार्टी में आ गया। हाँ 15 दिन में 100 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, वो तो हम तय नहीं करते। अच्छा चलिए बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए, हाँ मंत्री बन जाइएगा, बैठिए। तो महोदय प्रिस्मैटिक मॉडल जिसको हमने इस सदन में समझाया कि प्रिस्मैटिक मॉडल जहां बहुत लोग को ले गया, एगो को नोडल डिपार्टमेंट बना दिया, उपल्ला जा रहा, उपल्ला जा रहा, उपल्ला जा रहा। अब पूरे देश में और कई राज्यों में महोदय डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है। डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जहां एक दो विभाग को जिम्मेदारी होगी, उनको ही काम पूरा करना है, उनकी ही जिम्मेदारी तय होगी, उनकी ही जवाबदेही होगी, तब काम होता है। जब पूरे देश ने, कई राज्यों ने छोड़ दिया, तो आप जो है प्रिस्मैटिक के तहत जो है आप क्यों काम कर रहे हैं भाई? तो ये छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से महोदय पारदर्शिता नहीं होती है, कहीं पारदर्शिता नहीं होती, लोगों का कंफ्यूजन होता है, विधायक लोग सवाल पूछता तो बोलता उधर ट्रांसफर हो गया, उधर ट्रांसफर हो गया, होता है कि नहीं होता है? लोगों को दिक्कत होता। तो महोदय ये सारा चीज जो है, ये 80-80 घोटाले ऐसे थोड़ी ना हुए, जा छुपा हुआ, इसलिए ये जानना जरूरी है। इसलिए मेरा सलाह है कि यहाँ डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए महोदय। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।